हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनटीसी और पीटीसी के बारे में समझाऊंगा। ये दोनों ही थर्मिस्टर हैं और आज की वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है। और एंड में मैं आपको सर्किट डायग्राम भी दिखाऊंगा कि आप कैसे थर्मिस्टर से कंट्रोल्ड फैन बना सकते हैं। मैं एंड में प्रैक्टिकल भी कर दिखाऊंगा। और मैंने एनटीसी और पीटीसी दोनों के सर्किट डायग्राम दिए हैं ताकि अगर आपके पास कोई भी हो तो आप उससे सर्किट बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अलग अलग टाइप्स के थर्मिस्टर्स हैं। थर्मिस्टर मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एनटीसी एंड पीटीसी। ये जो फोटो है इसमें मैंने आपको अलग अलग मॉडल दिखाए हुए हैं एनटीसी और पीटीसी के। इसमें ये एपॉक्सी में भी होता है, ये फ्लेक्स में भी होता है। मेनली इसका काम टेम्परेचर कंट्रोल में होता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा हीट हो रहा है तो एक फ़ैन को ऑन करना एट अ सेट टेम्परेचर ताकि अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में से हीट बाहर निकाल सके। अब फ्रेंड्स, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक एनटीसी है। इस पर लिखा हुआ है नंबर 103। 103 का मतलब है 03 टाइम्स और रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है 10,000, यानी कि 10,000 ओम्स का 10K का ये एनटीसी है। और नेक्स्ट ही इसका एनटीसी थर्मिस्टर का ग्राफ है जो कि साफ साफ शो करता है कि एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का घटेगा। सिंपल सा फंडा ये है। नेक्स्ट ये जो आप देख पा रहे हो ये एक पीटीसी है जिसका मतलब है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी साथ के साथ बढ़ेगा। नेक्स्ट ये इसका ग्राफ है जो कि साफ साफ शो करता है कि पीटीसी का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जो कि बिल्कुल ही उल्टा है एनटीसी के। अब ये दोनों एनटीसी और पीटीसी के ग्राफ का कंपैरिजन है जो कि एक हाइपरबोला है और एक इनवर्स हाइपरबोला है। अगर आपको थर्मिस्टर कंट्रोल फैन बनाना है तो ये मैंने कंपोनेंट्स की लिस्ट दी है। ये एनटीसी कंट्रोल के लिए है, पीटीसी की भी मैं दे दूंगा और मैंने दोनों के सर्किट डायग्राम आगे शो किए हुए हैं। ये सर्किट डायग्राम है एनटीसी कंट्रोल्ड थर्मिस्टर के लिए और हमें ये कंपोनेंट्स चाहिए पीटीसी कंट्रोल बनाने के लिए। और ये सर्किट डायग्राम है पीटीसी कंट्रोल थर्मिस्टर के लिए। अब मैं आके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मेरे पास एनटीसी अवेलेबल था तो मैंने एनटीसी वाला सर्किट बनाया है। मैंने यहाँ पर ये सर्किट छोटे से पीसीबी पर बनाया है। ये मैंने फ़ैन लिया 12 वोल्ट फैन जो कि सिर्फ 130 मिली एम्स लेता है। ये मैंने यहाँ पर एनटीसी यूज़ किया है 10K का और मैंने BD140 ट्रांजिस्टर, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस और ये 100K का प्रीसेट यूज़ किया है। इसको मैंने 12 वोल्ट पावर दे दिया है। अब मैं सबसे पहले इस पर थोड़ी हीट देकर आपको चेक कर दिखाऊंगा। ये मैंने सोल्डरिंग आयरन से इसको थोड़ी हीट दी और कुछ ऐसी 2-3 सेकेंड बाद फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और अगर मैं इस थर्मिस्टर को अपने फिंगर से टच कर इसे थोड़ा ठंडा कर दूंगा तो फ़ैन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। यही काम करता है थर्मिस्टर और मेनली यही काम होता है इसका कूलिंग करने में। और ये इसका 100K का पोटेंशियोमीटर मैंने ऐसे सेट करके रखा है एकदम मिनिमम कि अगर इस पर थोड़ी सी भी हीट अप्लाई होगी तो फ़ैन तुरंत ऑन हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू मेक प्रोजेक्ट है, आप इसे एज ए स्कूल प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।